कल्चर माय न्यूज़ में आपका स्वागत है। साध्वी प्रज्ञा के गोडसे को देशभक्त कहने पर मोदी, अमित शाह और बीजेपी के कई अन्य नेता उन पर भड़के, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे को लेकर जो भी बातें की गई हैं वो भयंकर खराब हैं। पीएम मोदी ने दो टुक में कहा, ये बातें पूरी तरह से घृणा के लायक हैं। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं चलेंगी। पीएम मोदी ने कहा, भले ही साध्वी प्रज्ञा और अनंत हेगड़े ने इस मामले में माफी मांग ली हो, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद अनंत हेगड़े ने भी अपना बयान दिया और उसके बाद उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का बचाव करते हुए लिखा कि इस समय चल रही सार्थक बहस से नाथुराम गोडसे को खुशी होगी, लेकिन बाद में वह भी अपने बयान से पलटे और उन्होंने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ये उनके निजी बयान थे, पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। शाह ने लिखा कि बीजेपी की अनुशासन समिति उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा और अनंत हेगड़े ने ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सौमित्र ने भी ऐसा बयान दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बता दिया था, जिस पर एक्शन लेते हुए बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अब देखना होगा कि इस पर भाजपा पार्टी क्या एक्शन लेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आई न्यूज़ इंडिया।